हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज की ब्लॉग को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ ये आपको लोगों को नहीं बताने वाला। सो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहें, क्योंकि जब भी बताता हूँ गाइस, जा ही नहीं पाता हूँ कहीं भी। तो आज मैं नहीं बताऊँगा, तो आप ब्लॉग पे कंटिन्यू रहोगे तो आप लोग देख लोगे। ओके गाइस, लेट्स रॉक। तो गाइस, फिलहाल हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और ये है नारायण भैया, और ये भी कर रहे हैं नाश्ता। देखिए किसका कार है, और मेरे पास है खजूर। तो गाइस, ये जगह है तोरपा, और ये होटल का नाम है अशोक स्वीट, शायद ऊपर नहीं दिख रहा है। तो इधर देख लीजिए इधर का व्यू, और आप इस साइड का भी व्यू देख लीजिए। ये वाली रोड सीधे रांची चले जाएगी, और इधर सीधे सिमडेगा। तो गाइज, हम लोग जा रहे हैं उड़ीसा बिरमित्रापुर। फाइनली गाइज, कल तो मैं भीग गया था, तो आज वैसे मौसम भी खराब है, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आज जा रहे हैं फोर व्हीलर पे। और गाइज, कार ड्राइव कर रहे हैं नारायण भैया, ये देखिए। और हम लोग सीधे चले जाएंगे, अभी उड़ीसा के लिए निकल जाएंगे, पहले बड़े पापा को ले लेते हैं। तो फाइनली गाइज, हम लोग बड़े पापा को लेके जा रहे हैं अब, और हमें दिखाते जाएंगे आप लोगों को कि क्या है सीन, हम लोग का जर्नी कैसा रहेगा, उसको दिखाते जाएंगे आप। तो ये है बड़े पापा, तो यही है बाकू टोली, और बाकू टोली से हम लोग यही से रास्ता शॉर्टकट निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है पास, मतलब ई पास, अभी नेसेसरी है पास लगाना, क्योंकि कहीं बाहर जा रहे हैं तो लगाना पड़ता है। ये देखो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं बानो स्टेशन है ये। तो यहाँ से हम लोगों को कम से कम 50 किलोमीटर और जाना है, तब जाके हम लोग बिरमित्रापुर पहुंचेंगे। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं, बॉर्डर है यहाँ से, और कुछ देर लगेगा, मतलब यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, पास को खोल के ले जा रहे हैं। आगे साइड भी पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ पे चेक हो रहा था, तो हम लोग ई पास दिखवा लिए। तो फाइनली गाइज, हम लोग तो पहुँच गए हैं बिरमित्रापुर, और यहाँ तो सारा खुला हुआ है, शायद यहाँ बैंक है SBI का, इसीलिए भीड़ भाड़ है, और पूरा खुला हुआ है। देखिए गाइज, हम लोग छोड़ दिए बड़े पापा को उसके घर, और वापस जा रहे हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहें, आधे रास्ते में जो भी मिलेगा दिखाते जाएंगे आपको। भयंकर जंगल जिसे बोला जाता है, वैसे ही जंगल जगह खड़े हुए हैं, और बीच में रास्ता है एकदम। देखिए रास्ता कैसा दिख रहा है पीछे, और ये चढ़ान जगह है, और इस जगह का नाम नहीं है मालूम, गाड़ी यहाँ पर खड़ी की है। और आपको जंगल का व्यू दिखा दूंगा पूरा, ब्लॉग पे कंटिन्यू रहें, देखते रहें। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ये हैं नारायण भैया, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और स्टॉप होते होते जाएंगे, और कहीं पे खाना भी खा लेंगे। हम लोग पहुँच गए हैं जलडेगा, ये जलडेगा है पूरा, और हम लोग थोड़ा सा खाना खा लेंगे। ये होटल है, बड़ा अच्छा खाना खिलाता है, होटल का नाम तो नहीं लिखा हुआ है। सेवक हुए, ग्राम सेवक हुए, यहीं पर खाते हैं, सरकारी जितना भी काम करते हैं वो लोग, तो यहाँ पे अच्छा खिलाया जाता है, इसलिए हम लोग यहीं खाना खाएंगे। नारायण भैया आ रहे हैं, और हम लोग खाते हैं खाना, फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे। तो गाइज, हम लोगों ने खा लिया है खाना, और वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, और आधे रास्ते पे हैं।
तो गाइज हम लोग हैं मार्केट में, यहाँ कोनबीर में एक मार्केट लगता है, कोनबीर पहुँच गए हैं। तो देखते हैं, हम लोग पुटू ढूंढने आए हैं। पुटू जो जंगल में मिलता है, पुटू वही पुटू का सब्जी ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग ले रहे हैं आम, तो देख सकते हैं ये आम्रपाली आम है। तो ये बाबू बेच रहा है 20 रुपए केजी, तो हम लोग ले रहे हैं 1 केजी। अच्छा वाला नहीं था इसीलिए हम लोग नहीं लिए। और देखते हैं और आज जगह में अगर मिल जाएगा तो ले जाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो गाइज मार्केट में तो ज़्यादा आम दिखता है, सब्जी कम। तो मेरा फेवरेट आम है आम्रपाली, इसलिए मैंने ले लिया है। और गाइज हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे मार्केट से और आपको सीधे घर पे ही मिलेंगे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घूमने और मैं वहाँ से लौट गया था और मेरे साथ है साक्षी और पवन। हेलो बाय, हेलो कर दो, हेलो हाय कर दो। उधर देखो, मुंह बना दो, तो मुंह बना दो एक बार। हाँ और जोर से बनाओ, कर दो, करो मुंह बनाओ, मुंह बनाओ। अच्छा रो के दिखाओ कैसे रोती है। टाटा करो, तो टाटा करो, हाँ सही टाटा करना, पाव पाव कर दो। डरवा दो तो डरवा दो, अच्छा ऐसे डरवा दो, करो करो। चलिए गाइस हम घर में मिलेंगे, घर में ये? क्या खा रही है, इधर देखो। डरवा दो तो मम्मी को, और जोर से, नहीं उठो, उठाएगी उठाएगी उठाएगी, उठा उठा उठा, ओ बैठने के लिए वैसा मत बैठो, उठो। तो गाइज ये खाने में हो गई है बिजी, और देख लो एक बार साक्षी को कैसे खा रही है। हाँ जीभ दिखा दो, हाँ हाँ हाँ। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपने रूम, और ड्राइंग मैंने बनाया था दीपिका पादुकोण का, वो मैं दिखा देता हूँ कितना किया है मैंने, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ये देखो गाइज मैंने इतना ड्रॉ किया था, चमक रहा है शायद, हाँ देखिए। तो ये पूरा हो जाएगा तो आपको दिखा देंगे। तो आज जितना मैं अभी सकूंगा उतना मैं पेंट करूंगा, अभी 1-1.5 घंटा मेरे पास टाइम है। तो गाइज आप देखते रहो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कैसा बनाया है।
देख लिया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। तो इसी तरह के पेंटिंग और ब्लॉग्स दोनों साथ में ही लाऊंगा, और मेरे आर्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, जिसमें आप यही पेंटिंग की डिटेलिंग वीडियो देखोगे आप, ट्यूटोरियल टाइप का। तो गाइस समय का तो पता ही नहीं चला, 7:30 बज रहे हैं अभी, और मुझे बनाना होता है खाना, इसीलिए इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर एंड, और कल फिर एक नए ब्लॉग पे मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।